आज उस शहीद का भी जिक्र है, उसकी भी विलादत है कि जो एक बड़ा वास्ता है, बाबुल हवाइज है, बाबुल हवाइज जिसका दरवाजा शहजादे अली असगर, ऐसा दरवाजा है मासूम तक पहुंचने का। मैं कहता हूं ना, इससे बड़ा वास्ता और कोई नहीं हो सकता मासूमीन की बारगाह में, मासूमीन की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में, जनाब अली असगर का, शहजादा अली असगर उस शहीद का नाम कि जो बीबी रबाब के बेटे थे, मौला हुसैन के फर्जंद, मौला हुसैन के सबसे छोटे बेटे अली असगर, 6 महीने के थे, सब जानते हैं, जिसकी शहादत, शहादत उज़्मा, सबसे बड़ी शहादत, कमाल था शहजादे अली असगर की। देखिए बीच में कुछ मसाइब के जुमले आ जाए, मैं क्या करूं, मजबूरी कि करबला में सब जानते हैं कि भूख और प्यास, 3 दिन की भूख और प्यास थी और अपने कमाल पर थी। और जिस शहीद की बर्दाश्त करने की ताकत जहां तक थी, वहां पे आके उसको इज्जत मिला और जाके शहीद हो गया शहजादे अली असगर। सब जानते हैं कि सबसे छोटा शहीद है, जस्ट 6 मंथ्स ओल्ड बॉय, 6 मंथ्स इन्फेंट है, और शहीद होने वालों में सबसे आखिर थे, मौला हुसैन से पहले सबसे आखिर। आप इमेजिन करें, जनाब अली अकबर, मौला अब्बास, जनाब और मोहम्मद, शहजादा खासिम, जो खानदान अहले बैत, वो बता रहा हूं, सब पहले शहीद हो। ये सबसे छोटा शहीद था और प्यासा था, भूखा था, और इतनी बर्दाश्त थी शहजादे को कि मौला हुसैन ने बिल्कुल आखिर में शहजादे को लेकर आए थे। सब जानते, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता इसके कि मसाइब का हिस्सा है। और इस शहीद ने, इसकी शहादत ने दुनिया को बता दिया कि यजीद और यजीदियत, जितने यजीद के मानने वाले थे उनमें इंसानियत नहीं थी, ह्यूमैनिटी नहीं थी। इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा, किसी कौम में इतना बड़ा जुल्म कोई नहीं करता कि 6 महीने के बच्चे के, रीजन ये कि हुसैन का बच्चा है तो शहीद कर दो, और इतने जुल्म से शहीद हुआ ये बच्चा। और शहादत के वक्त अली असगर ने मुस्कुरा के जालिम हुरमुला और यजीदियत पे वो तमाचा मारा, ऐसा तमाचा कि हमेशा हमेशा के लिए हुरमुला, जो अपने आप को बड़ा जालिम सूरमा समझ रहा था, बड़ा ताकतवर समझ रहा था, उसने तीर चलाया, अली असगर ने मुस्कुरा के अपने गले पे उस तीर को ले लिया। जाते जाते मुस्कुरा के बताया कि हम खानदान अहले बैत से हैं, मैं हुसैन का बेटा, शहादत ये हमारी मीरास है, और दुनिया को बताया कि जाते कैसा है इस्लाम को बचाने के लिए। अली असगर ने वो जान दी, वो कुर्बानी दी, वो सैक्रिफाइस किया कि जो फेरिस थी शोदाए करवला की, उसका स्टैम्प का नाम अली असगर है कि आखिर में, सबसे आखिर में ये शहीद हुआ। तो इसीलिए आज मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा कि शहजादे अली असगर का वास्ता देकर दुआएं मांगो, देखो तुम्हारी दुआएं कबूल कैसे। ये आजमाई हुई बात है, हमारे तमाम उलमा ये बोलते कि अली असगर का एक ऐसा वास्ता है अल्लाह की बारगाह में, अगर कोई शहजादे अली असगर का नाम लेके या उनकी नजर करे। देखिए मैं हमेशा बताता हूँ, ये नजर शहजादे अली असगर की और बीबी सकीना की, बीबी रबाब के ये 2 बच्चे, मौला हुसैन के 2 ये मासूम बच्चे, 3 साढ़े 3 साल की बीबी सकीना और 6 महीने के शहजादे अली असगर, ये दोनों ऐसे शहीद है ये करवला के, ये ऐसे शहीद है कि आज अगर पहाड़ को टालना है, पहाड़ को हटाना है, तो बीबी का वास्ता देकर, जनाब अली असगर का वास्ता देकर जो है, अगर कोई दुआ मांगे तो दुआ फौरन अल्लाह कबूल करता है। इसलिए कि अनलेस कोई तुमसे खुदा ना खास्ता कोई ऐसा गुनाह हो रहा जिसकी वजह से तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, लेकिन इसके वास्ता दो तो इस बच्चे का वास्ता और इनकी मजलूम बहन का वास्ता दो। बीबी रबाब के ये 2 बच्चे, पहली चीज बताता कि अगर किसी को औलाद नहीं है, कोई बे औलाद है, 1000 फोन्स आते, 1000 मैसेजेस आते कि मौलाना कोई अमल बताओ, सारे अमल अपनी जगह पे, मैं कोई अमल पे ये नहीं बोल रहा कि ये छोटा या बड़ा है, लेकिन
अगर कोई जनाब अली असगर की नजर दे और ये मन्नत मांगे कि अगर मेरा बेटा अल्लाह तू देगा, कंडीशन नहीं कि ये रिक्वेस्ट करे अल्लाह से कि अगर तू बेटा देगा और अगर तू बेटी देगा तो मैं क्या करूंगी, तो ये दुआ करो कि बेटा देगा तो मैं अली असगर नाम रखूंगी। ऐसा बरकत नाम है, ऐसा बाबरकत नाम है और इनका वास्ता इतना बड़ा है शहजादे का। इनकी नजर बहुत सिंपल नजर है दोस्तों, इतनी सिंपल नजर अपने घर में दो, उसके बाद देखो कि तुम्हारी हालात तुम्हारी दुआएं कैसे कबूल होती। औलाद के लिए पहली चीज, बेटे के लिए नियत करो कि मैं बेटा अल्लाह तू देगा तो मैं अली असगर नाम रखूंगी, और बेटा दे बेटी देगा तो मैं सकीना रखूंगी नाम। देखो किस तरह अल्लाह लावलद को और साहिब औलाद कर देता, इसलिए कि वो खादिर मुतलक है। और जनाब अली असगर की नजर जो है वो दूध के ऊपर दिया जाती, कोई वाजिब अमल नहीं है, ये एक मोहब्बत का तकाजा है, एक मोहब्बत का तकाजा है कि ये 6 महीने का बच्चा था जिसका दूध भी नहीं छूटा था, उस बच्चे के नाम पे अगर आज आप नजर दें, आप नियत करो कि मैं अगर मेरा ये अमल हो ये काम हो जाएगा तो मैं जनाब अली असगर की नजर दूंगी दूध के ऊपर। सलवात सूरे अलहम सूरे तौहीद 3 मरतबा सूरे कौसर और फिर सलवात पढ़ के जनाब अली असगर की बारगाह में हदिया करो। और एक अमल और बड़ा मशहूर है करबला मौला में, हुरमुला पे लानत का, जितनी दफा 100 मरतबा 500 मरतबा 1000 मरतबा हुरमुला पे लानत। ये वो जालिम है कि ये शहादत इतनी बड़ी है कि जब जनाब मुख्तार इब्ने अबू उबैदा सखफी खून हुसैन का बदला ले रहे थे और मिनहाल मदीने मुनवरा आए थे, और अल्लाह हमको भी ज़ियारत नसीब करे, मदीने मुनवरा आके चौथे इमाम से जब मुलाकात की थी, हालात मुख्तार में आपको ये बात मिलेगी, आकर जब कहा था कि मौला क्या आप राजी हैं, क्या आप खुश हैं कि आपके बाबा के खातिलों से मुख्तार चुन चुन के बदला ले रहा, क्या आप खुश हैं, तो इमाम ने एक दफा सुना, फिर कहा मिनहाल के मौला आप राजी है कि मुख्तार आपके बाबा के खातिलों से चुन चुन के बदला ले रहा। मेरे मौला सर झुका के बैठे थे, सर को उठाया, उठा के कहा मिनहाल ये बता क्या हुरमुला पकड़ा गया। इतनी बड़ी बात है, देखो इमाम चौथा इमाम ये उस वक्त मिनहाल तड़प गया, तड़प के कहने लगा मौला आपने उसका नाम नहीं लिया जिसने आपके बाबा के सूखे गले पर खंजर चलाया, आपने अपने जवान भाई अली अकबर के खातिल का नाम नहीं लिया, आपने मौला चचा अब्बास के जिसने शाने काटे उसका नाम नहीं लिया, आपने अपने छोटे भाई अली असगर के खातिल का नाम क्यों लिया। तो उस वक्त चौथे इमाम का वो जुमला मशहूर जुमला कि मिनहाल जो हुरमुला ने तीर मेरे भाई के गले पे मारा, आज हम खानदान अहले बैत के सीनों में वो पैवस्त है। जमाने के इमाम से भी रिवायत, मुलाकात इमाम का यह वाकया, मुलाकात इमाम जो बड़ी मशहूर किताब है कराची से छपी है, अरबी की बुक है लेकिन कराची में ट्रांसलेशन हुआ उर्दू में, उसमें भी यह वाकया मिलता है कि मैदान अरफा में वो चाहने वाले ने जब जमाने के इमाम से मुलाकात हुई और इमाम से पूछा कि मौला किसके शहीद किस शहीद के मसायब पढ़ो, तो उस वक्त मौला जमाने के इमाम ने ख्वाहिश की कि मेरे जद के मसायब के मुसलसल पढ़ते रहो, इन्हें 24 घंटे करबला वालों का जिक्र करो, लेकिन उसके बाद कहा कि 2 शहीदों का जिक्र जरूर करना, एक वो कि जो सैदानियों के पर्दे का मुहाफिज था इन्हें मौला अब्बास की तरफ इशारा किया, और उसके बाद कहा एक वो कि जिसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका था। इतनी बड़ी शहादत है जनाब अली असगर की, और मासूमीन की निगाह में मासूमीन की बात में मैं क्या करूं, मैं बड़ा मजबूर हूं इस वक्त, 25-30 मिनट की तकरीर होती है, लिटरली मैं बोल रहा दुनिया में जहां भी शहजादे अली असगर का जिक्र हो मैं आपको हाथ जोड़ के बोल रहा कि ये ऐसा वास्ता तुम ट्राई करो, मैं कुछ नहीं बोल रहा ट्राई करो खाली, ये इतना बड़ा वास्ता है हुसैन की, ये वो बच्चा के जिसकी कुर्बानी ने यजीदियत के चेहरे से नकाब को उलट दिया, दुनिया को दुनिया आज पुकार के कहती है कि इंसानियत वहां नहीं थी, ह्यूमैनिटी नहीं थी, वो लोग इंसान नहीं थे, जानवर से बदतर थे, शैतान थे, कि उन्होंने किसी कौम में 6 महीने के बच्चे को नहीं मारा जाता, बेबगैर बच्चे का जुर्म क्या था, लेकिन इस जालिम ने इतने जुल्म से शहीद किया था मेरे शहजादे को कि यह कुर्बानी हर मासूम ने शहजादे अली असगर के गम को याद किया। तो मैं यही कह रहा इनकी नजर करो, इन अपने बच्चों का नाम अली असगर रखो,
बीवी रबाब के इन बच्चों के नाम को रखो, देखो तुम्हारे घर में बरकत कैसे होगी। मैं यूं ही नहीं कह रहा, ये मजाक नहीं है दोस्तों, सबकी किस्मत में भी नहीं आता। तुम नियत करो कि मेरे मुझे अगर बेटी देगा तो सकीना, इसलिए मौला हुसैन का वो जुमला, जो इमाम का वो जुमला मौला हुसैन के लिए कि मेरे बाबा ने तीनों बच्चों के नाम अली रखे थे और तीनों बेटियों के नाम फातिमा रखे थे। अगर 100 औलाद भी मेरे बाबा को होती तो 100 का नाम अली रखते और 100 का नाम फातिमा रखे। सलात पढ़ ले मोहम्मद वाले। मैं कहता ना कि अगर आप ये चाहते हैं कि मासूमीन हमसे राजी हो जाए, मौला हुसैन, सोचो इमाम हुसैन की रजा इससे बड़ी क्या है। उनके बेटे का नाम अगर कोई रखे, अपने बच्चों के नाम अली असगर रखो। ये मॉडर्न नाम्स के नेम्स के चक्कर में मत पड़ो। जनाब अली असगर की नजर दूध पे दो और बीबी सकीना की ठंड पानी के ऊपर दो, ठंडे पानी के। इसी तरह भाई और बहन की नजर देखे देखो। आपको मालूम जनाब अली असगर कहां दफन है करबला में, अल्लाह ज़ियारत नसीब करे मेरे मौला हुसैन की। आप लोग सब गए हैं ज़ियारत को, अब अपने ज़हनों में करबला को लेकर आओ, करबला को लेकर आओ, उस ज़रिए मुबारक को मौला हुसैन की, मौला हुसैन की जो ज़रिए मुबारक, अल्लाह हमको जल्द से जल्द नसीब करे मेरे मौला हुसैन की ज़ियारत, जो ज़रिए मुबारक है मौला हुसैन के ज़रिए ऐसा आके ऐसा फैलती है फिर आगे बढ़ती है, और सारे मासूमीन के ज़रिए ऐसा स्प्रेड है, जैसे मौला अब्बास हो, मौला अली अलैहिस्सलाम हो, सामिरा हो, काजमैन हो, मशहद मुकद्दस, हर जगह ज़रिए जो है ऐसा सीधा आती है, लेकिन मौला हुसैन के ज़रिए ऐसा आके ऐसा होगी फिर आगे बढ़ी। ये जो हिस्सा है ये मौला हुसैन का सालाना है, इसके ऊपर वो ट्योम है, गोल्डन ट्योम है, जिसको तहते खुब्बा बोलते हैं। ये वो जगह है कि जहाँ पे दुआ बहुत जल्दी खबर दी है। मौला हुसैन का सर मुबारक है वो स्टेट सामने, उसके बाद जैसे आप एंटर होते शोदाए करबला गंजे शहीदा से आप आगे बढ़े और राइट पे मुड़ते कि वो दरवाजा और सामने मौला हुसैन के जरिए मुबारक है। ये जो हिस्सा, ये जो बिल्कुल एंटर होते कि सामने जो जरिए ऐसी है वो मौला हुसैन का सीना है, चेस्ट है। 12 मुहर्रम को 61 हिजरी चौथे इमाम ने जब अपने बाबा को दफन किया तो सीने के ऊपर शहजादे अली असगर को रखा। इसीलिए कहते हैं कि जरी का जो ये मेन हिस्सा है ऐसा स्ट्रेट, वहां जाके अगर कोई औलाद के लिए रिस्क के लिए दुआ कर, वहां हर जगह कहीं भी जाके दुआ करो, लेकिन वो हिस्सा वो है कि जहां जनाब अली असगर दफन है, डायरेक्ट आप जनाब अली असगर के पास जाते, सीने के ऊपर मेरा शहजादा है। और ये जो हिस्सा है आगे बढ़ा, ये जनाब अली अकबर है, शहजादे अली अकबर। एक साइड पे मौला का जो पैंती है, जहां पैर है मौला के, उनके पैरों के पास जनाब अली अकबर को दफन किया, सीने के ऊपर जनाब अली असगर है, और सराना मौला का सराना है जिसको तहते खुबा बोलते। उस एक जरी के अंदर दोनों हुसैन के बच्चे हैं और मौला हुसैन दफन है। दोबारा तो शहजादे का वास्ता देकर अगर दुआ करो, उसके बाद बीवी सकीना, बीवी सकीना के लिए भी यही है कि सीरिया में अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे मेरी मज़लूम शहजादी की, और अल्लाह सीरिया में सरदारियों के रोज़ों की हिफाजत करे, वहाँ जाके बीबी सकीना का वास्ता। मैं क्या बोलूँ आपको, मेरे साथ खुद कई ऐसे मोजिज़े हुए, जनाब सकीना के पास जाके जब दुआ मांगने से कैसी कैसी इम्पॉसिबल चीज़ों को बीबी ने पूरा किया। तो बीबी रबाब के ये दो बच्चे जो दोनों मासूम थे, एक तो बिल्कुल इन्फेंट था और एक बीबी 3.5-4 साल की बीबी थी, ये दोनों मज़लूम तरीन औलाद है मौला। वैसे सारी औलाद मज़लूम है, मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंस बताने के लिए बोल रहा। ये दोनों भाई और बहन की, ये दोनों भाई और बहन का वास्ता देकर आप दुआ करो, उसके बाद देखो कि हालात कैसे बदलते। दोस्तों तो हुरमुला पे लानत की तस्बीह जरूर पढ़ना। हर मासूम ने शहजादे के को याद किया कि ये जुल्म अजीम हुआ हमारे भाई के साथ। वैसे सारा जुल्म हर मासूम के साथ जुल्म हुआ, लेकिन शहजादे अली असगर के लिए तो हर इमाम ने, जमाने का इमाम ने याद कर रहा कि शहजादे का जिक्र करो। तो हुरमुला पे लानत कोई ऐसी बात नहीं है, अपने मैं बोल रहा हूँ मुसल्ले पे बैठ के, अपने मुसल्ले पे बैठ के नमाज के बाद मुसल्ले पे बैठ के आप जनाब अली असगर के खातिर पे लानत पढ़ के देखो। ये अजीब अमल है दोस्तों, अजीब अमल है, इतना आजमाया हुआ अमल है, इतना मुजर्रब अमल है। जब भी जिसको भी जहां भी बताया गया, जिसने भी ये किया, शहजादे के वास्ता देखा, हुरमुला पिलाना दो, हुरमुला पिलाना दो, हुरमुला पिलाना दो, हुरमुला पिलाना दो, इस तरह एक तस्बीह पढ़ो, व्हाट आर यू लूजिंग, एक तस्बीह पढ़ के उसके बाद दुआ करो कि अल्लाह तुझे शहजादे अली असगर का वास्ता मेरी ये दुआ कबूल करो। 6 महीने का हुसैन का बच्चा, और रिवायतों का जुमला है कि मेरे मौला की शबी थे। मैं क्या बोलूं आपसे, व्हाट यू वांट मी टू से, जनाब अमीर के मेरे मौला मुश्किल कुशा की शबी था। इतना हसीन था शहजादा, इतना खूबसूरत था,
झंडूले वाले बाल थे, कली हेयर्स जिसको बोलते, चांद था चांद। इस इमाम मौला हुसैन का जुमला है, प्लीज गौर से सुनो, इमाम हुसैन का जुमला है शहजादी जैनब को, जब मदीने से भी मौला चल रहे थे 28 रजब को, 28 रजब को जब मौला हुसैन चल रहे थे, तो उस वक्त मौला हुसैन का वो जुमला है कि जब शहजादी फातिमा सुग्रा को लेके हुसैन नहीं जाने लगे और बीबी जैनब ने बीबी सुग्रा को लेकर आई थी, मसायब के जुमले, इसलिए मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा हूं कि मसायब में ना, अगर आपके दो आंसू निकल जाए तो इससे बेहतर कोई बात नहीं। तो जब बीबी सोहरा को लेकर आई थी बीबी जैनब कि भैया बेटी पूछ रही है कि क्यों आप साथ, ठीक हो जाएगी, तबीयत सही हो जाएगी, तो उस वक्त मौला हुसैन रोने लगे थे। अब तक बीबी सोहरा रो रही थी, अब इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए, रोते हुए कहा बहन तुम सोहरा की सिफारिश मत करो। पूछा बीबी ने पूछा तो भैया क्यों, तो कहा बहन तुम जानती हो जो मेरी औलाद है कोई मेरी नाना जैसी है। नाना जैसी कौन थे आप सब जानते, जनाब अली असगर, कोई मेरे बाबा जैसी है। बाबा के लिए इशारा किया गया जनाब अली असगर को, और शहजादी फातिमा सुग्रा के लिए कहा गया कि ये मेरी मजलूम शहजादी, मजलूम बीबी जहरा की शबीत है, माँ की शबीत, इसे मौला हुसैन साथ लेकर नहीं गए थे। तो जनाब अली असगर के लिए कहा गया कि ये मेरे मौला की शबीत है, पोता है, हुसैन का बेटा है, जनाब अमीर दादा है, जैसा मौला का बचपना था ना, जैसा मौला थे 6 महीने वे उसी तरह हसीन और खूबसूरत अलीमाम अली तो वजुल्ला अल्लाह का चेहरा है और ये उनका बेटा है। इतना हसीन शहजादा, इतना हसीन कि जब मौला हुसैन ने अबा के दामन को हटाया था तो उस वक्त लश्कर यजीद में हलचल मच गई थी, हलचल, मसायब के जुमले, इसलिए मैं रुक रुक के बोल रहा हूँ, हलचल मच गई थी। एक ऐसे मालूम औरत है जैसा हुसैन के हाथ में कुरान है, ऐसा कुरान, ये कुरान नातिक चेहरे पे हटाया तो हसीन और खूबसूरत चेहरा मेरे शहजादे अली असगर का, खूबसूरत कर्ली हेयर्स थे, बड़ी बड़ी आंखें थी, झंडूले वाले बाल जिसको बोलते, इतना खूबसूरत चेहरा, ऐसा हसीन बच्चा हुसैन का। लेकिन इस बच्चे पे जुल्म हो गया, मैं मजबूर आगे नहीं बढ़ रहा, बस दोस्तों इस बच्चे का, इस शहजादे का वास्ता देके दुआ मांगो।